कहकशा मैगजीन का उद्घाटन इकबाल काजी के हाथों हुआ। आदाब, मैं आयशा कच्छी, महाराष्ट्र मित्र में आपका स्वागत है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। पनवेल याकूब बेग हाई स्कूल में वसीम पटेल की दीपावली विशेषांक कहकशा का उद्घाटन इकबाल काजी के हाथों हुआ। इस मौके पर एक्स कॉरपोरेटर मुकेश काजी, इकबाल नावरेकर, जुबैर पिट्ठू, असलम मुंशी, महाराष्ट्र मित्र के एडिटर हनीफ कच्छी और कई समाज सेवक मौजूद थे। इस मौके पर इकबाल काजी ने ऐलान किया कि मोहल्ले में निस्वार्थ भावना से काम करने वाले रिपोर्टर वसीम पटेल और हनीफ कच्छी हैं। प्रिंट मीडिया महंगे होने की वजह से लोग उर्दू न्यूज़ चैनल की ओर भी बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। महाराष्ट्र मित्र काफ़ी अच्छे से कौम की और देश की बातें अपने चैनल में दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि उर्दू का पहला न्यूज़पेपर जामे जहानुमा 27 मार्च सन 1822 को हरिहरदत्त ने शुरू किया। इस पेपर के एडिटर मुंशी सदा सुखलाल थे। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबा की है। उर्दू या कोई भी जुबान किसी ख़ास मज़हब की नहीं होती। पहले उर्दू न्यूज़पेपर की कंपटीशन में 1822 में राजा राम मोहन राय ने एक फ़ारसी न्यूज़पेपर लियातुल अक्वाम निकाला, जिसके ज़रिए वो देश में कई सोशल अवेयरनेस लेकर आए। भारत से सती की रस्म दूर करने के लिए ये अखबार ने अहम किरदार अदा किया। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भी ये अखबार ने अहम रोल अदा किया, जैसे अल हिलाल, अल बिलाल वगैरह। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। एक्स कॉरपोरेटर मुकेश काजी ने भी अपने भाषण में उनकी तरफ से मोहल्ले के सच्चे रिपोर्टरों को जब भी ज़रूरत हो वह मदद करेंगे ऐसा ऐलान किया। इकबाल नावरेकर साहब ने इकबाल काजी की टीम ने स्कूल के लिए किए हुए काम की तारीफ़ की। इस मौके पर बिल्डर असलम मुंशी, हमीद दुर्रू, अब्दुल रहमान तांगे, इकबाल काजी, इकबाल नावरेकर का सत्कार हुआ। इस मौके पर बिल्डर असलम मुंशी, हमीद दुर्रू, अब्दुलरहमान थांगे, इकबाल काजी, इकबाल नावरेकर और आसिम पटेल सर का सत्कार हुआ। لقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بغنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون السلام عليكم جیسا کہ وسیم بھائی ہے یہ اپنا کہکشاں کے ایڈیٹر ہے एक बहुत ही सादे और सिंपल एक इंसान है जो हमेशा सच्चाई लिखते हैं और पत्रकार लोग हमेशा सच्चाई लिखते हैं, मेरा ये तजुर्बा भी है। तो ये हमारे कौम के लिए बहुत ही काम करते हैं, एक क्या बोले, एक दिल से। आज हमारे पनवेल में एक अभी एक दो ही पत्रकार मुझे जो मुस्लिम समाज में दिख रहे हैं कि हमारे ये अपने वसीम भाई है, असलम हनीफ कच्छी भाई है, ये बेचारे बहुत कोशिश करते हैं कि हम एक कौम का जो भी एक अच्छाई है, बुराई है, जो भी अच्छे काम होते हैं वो लोगों के तक पहुँचावे। और ये हमेशा लोगों को सच्चाई बताते हैं और ये एक अच्छा काम है। सच्चाई बताना कोई बुरा काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है। और ये पत्रकार जो सच्चाई बताते उसमें हिम्मत लगती है
अल्हम्दुलिल्लाह ये सब में हिम्मत है, क्योंकि इसमें किसी को अच्छा भी लगता है, किसी को बुरा भी लगता है सच बोलना, लेकिन सच बोलना गुनाह नहीं है। जो सच बोलता है उसको अल्लाह ताला उसका साथ देता है, भगवान साथ देता है, सभी साथ देते हैं, सच बोलने वाला कभी हारता नहीं है। तो ये ऐसा ही हमेशा अपना सच दुनिया के सामने रखे और सच और लोगों के सामने सच्चाई पर जाहिर करें, तो इंशाल्लाह उनको हमेशा कामयाबी होगी। और हम सब हमारा जो भी है कौम है सच बोलने वाले के साथ है, और जो सच बोलेगा उसके लिए हमारा हमेशा साथ रहेगा, आगे भी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जनाब वसीम साहब की तरफ से रखा हुआ था कहकशा पत्र के लिए। ज़िंदगी जीने के दो तरीके होते, उसी तरीके के ये इंसान हैं, या तो किसी को अपना बना लो या किसी के हो जाओ, तो ये इन्होंने सबको अपना बनाया हुआ है। और इनके लिए हमारी यही जो दिवाली के अंदर जो वसीम भाई ने हर साल की तरह इस साल भी रखा है, तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और सभी को उनके साथ में आए हुए लोगों को भी मुबारकबाद दे देता हूँ कि हमारे जो जैसा कि इकबाल भाई ने बताया कि हनीफ भाई, वसीम भाई, बाकी कोई पत्रकार हमारे में ही नहीं, तो एक मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत ज़रूरत थी जिन लोगों की, वो जो अभी दो सामने दिख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ भी सकते और बढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। वैसे तो लोग काम करने वाले वकील हमारे कम्युनिटी में बहुत है, मगर पत्रकार ये दो ही है। और वसीम भाई ने स्टार्ट से एंड तक आज दिन तक हार नहीं मानी, उन पर बड़े बड़े सदमे आए गुजरे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने उनका काम नहीं छोड़ा। कई उनको धमकी आए और कि ऐसा मत लिखो, वैसा मत लिखो, तो उन्होंने कहा कि मैं सच लिखूंगा और अच्छा ही लिखूंगा, मैं किसी के साइड से कभी नहीं लिखूंगा। और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है पेपरों में, तुम